हाय दोस्तों, हर गंगे आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉक्स में। अभी आप हर की पैड़ी के सुंदर दृश्य सुबह 8 बजे का देख रहे हैं। आज भी ठंडी कोई कम नहीं है, बर्फीली हवाओं की गति वैसे ही है जैसे पहले था, लेकिन धूप अन्य की वजह से हमें थोड़ा ठंडी कम महसूस हो रही है। अभी आप माँ गंगा के पावन दर्शन हर की पैड़ी नए घाट से कर रहे हैं। आप अभी माँ गंगा की पावन दर्शन कर रहे हैं महिला घाट हर की पैड़ी से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्मल धारा की गति काफ़ी तेज से और पारदर्शिता भी काफ़ी ज़्यादा माँ गंगा की अभी दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं महिला घाट पे भीड़ नहीं के बराबर है। अभी कोई खास स्नान होती है तभी भीड़ देखने को मिलता है, अभी भीड़ नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। अभी मैं आप लोगों को चारों ओर का दृश्य दिखाता हूँ। ऐसे भीड़ अभी केवल और केवल नई घाट पे ही दिखाई देता है, बाकी घाटों में भीड़ नहीं के बराबर। और आप देख सकते हैं जहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा तेज होती हैं, फेस में पड़ती हैं, वहीं पे ही लोग अभी स्नान करना सही समझ रहे हैं, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं महिला घाट में नहीं के बराबर स्नान कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊंगा जहां पे लोग नहीं के बराबर स्नान पहले करते थे गर्मी के दिनों में, लेकिन आज ठंडी होने की वजह से वहां पे काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर दृश्य माँ गंगा की निर्मल लहरों के देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सूर्य की रोशनी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी दृश्य यहाँ से देखने को हमें मिल रहा है। और आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, पहले यहाँ पे नहीं के बराबर श्रद्धालु स्नान करते थे। ऐसे तो कहा जाए महिला घाट से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं पूरे लाइन में, और आप महिला घाट का दृश्य देख सकते हैं। हरिद्वार यात्रा को लेके काफी सारे श्रद्धालुओं का काफी सारे क्वेश्चन था, तो आप अगर व्हाट्सएप में अपडेट पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर वीडियो पे मिल जाएगी। आप चाहे तो व्हाट्सएप में अपडेट पा सकते हैं इंक्वायरी करके। और अगर आपको रेलवे स्टेशन की लाइव वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव वीडियो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगनी चाहिए आप वहां जाके देख सकते हैं। ऐसे काफ़ी जल्द ही और भी वीडियो आने वाली है लेटेस्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन की, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि औली की सुंदर दृश्य भी आपको हमारे चैनल में देखने को मिलने वाला है। तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड में स्थित समस्त प्लेसों की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में, और आपको उस तरफ जो दृश्य दिखाई दे रहा है छत्ता सा, वहाँ पे ब्राह्मण बैठते हैं पूजा पाठ के लिए। वैसे ही आपको अस्थि प्रवाह घाट में काफ़ी सारे ब्राह्मण मिल जाएंगे पूजा पाठ के लिए, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ब्राह्मण बैठते हैं। ऐसे हम आपको अभी नई घाट का ही दृश्य दिखाने वाले हैं, तो और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम आ चुके हैं नए घाट पे,
और नई घाट पे आपको पता ही है मुंडन का कार्यक्रम और अस्थि प्रवाह की कार्यक्रम किया जाता है। मुंडन का कार्यक्रम सामने की ओर किया जाता है, इस ओर मुंडन के कार्यक्रम करने के बाद स्नान करने का काम किया जाता है और अस्थि प्रवाह करने का काम किया जाता है। तो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं मुंडन का कार्यक्रम कहाँ पे होता है और कितने सारे नए वहाँ पे होते हैं, कितने पैसे लेते हैं, प्राइस लिस्ट के साथ आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप जब भी आते हैं तो वहाँ पे प्राइस लिस्ट टंगा होता है तो आप ज़रूर देखें, जिससे क्या आपको आसानी होगा वहाँ पे पैसे देने में। माँ मनसा देवी की पावन टेंपल की दर्शन अभी कर रहे हैं, हम नई घाट से ही कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे दृश्य यहाँ से माँ मनसा देवी की टेंपल की दिखाई देती हैं। अभी हम चलेंगे भागीरथी सेतु को क्रॉस करके नई घाट पे और हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हम आ चुके हैं भागीरथी सेतु में। भागीरथी सेतु से माँ गंगा की निर्मल धारा की सुंदरता आप देख सकते हैं। नई घाट पे आपको चोटी वाला करके एक रेस्टोरेंट भी मिलेगा, जहाँ पे आपको सुबह सुबह ही भीड़ देखने को मिलने वाला है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ सुबह सुबह ही हो जाती है चोटी वाले के पास, आप देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और माँ गंगा के ऐसे पावन दर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर गंगे।